और सीधे छत्तीसगढ़ से तस्वीर दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ राज्यसभा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध तो चुने ही गए हैं, लेकिन रंजीत रंजन ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंची हैं। इसके बाद अब ये देखिए खुशी किस तरह चेहरे पर है कि पार्टी ने किस तरह उन पर भरोसा जताया है। बिहार से लेकर सीधा छत्तीसगढ़ लाकर राज्यसभा चुनाव उनको लड़वाया, निर्विरोध चुनी गई। उनके साथ विधायक मौजूद हैं। वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे उनके साथ मौजूद हैं। तो रंजीत रंजन के बारे में जानिए, 2014 में मोदी लहर के बावजूद सुपौल से जीती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं रंजीत रंजन। जम्मू कश्मीर में संगठन चुनाव की पीआरओ भी है और एक कद्दावर नेता मानी जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा में उनका जन्म हुआ है। लॉन टेनिस की खिलाड़ी रही हैं रंजीत रंजन। बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव से शादी की है। तो रंजीत रंजन अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंची हैं और आपसे राज्यसभा सांसद कहलाएंगी और देश के सबसे बड़े हाउस यानी कि राज्यसभा में अपर हाउस में। और सीधे आदित्य नामदेव स्टेट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, वो भी वहां मौजूद हैं। आदित्य, रंजीता रंजन जी मौजूद हैं, मैं उनके पास चलता हूं। मैडम थोड़ी देर में ही सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ वालों का धन्यवाद करती हूँ और मैडम का, अपनी पार्टी का। इससे ज़्यादा अभी मुझे बोलने के लिए कुछ है नहीं और जो बोल रहे हैं चौबे साहब ने कह दिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई मैम आपसे। बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला कि जैसे सीएम साहब बोलेंगे और जैसे जितने सीनियर लीडरान हैं, जो छत्तीसगढ़ के मेन मुद्दे हैं जो सेंट्रल में उठने चाहिए, उसमें भरपूर भूमिका निभाऊंगी। मैम, मैंने महिला दिवस के दिन हार्ली डेविडसन की सवारी देखी है आपकी, महिला दिवस के दिन वो एग्रेशन देखा है, चाहे मैं लोकसभा की बात करूं, संसद की बात करूं। मैम, वो उम्मीद यहाँ की महिलाओं को है कि वही डेडिकेशन, वही एग्रेशन रंजीत जी जो है वो राज्यसभा में दिखाएंगी छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, उस उम्मीद पे खरे उतरना मेरा कर्तव्य है और जब एक महिला को देख के मजबूती महसूस करती है तो मुझे लगता है ये सबसे अहमियत वाली बात है। अदरवाइज क्या होता है कि हम एक दूसरे का की टांग खींचते हैं। तो मेरा मेन पैशन ही है कि अगर एक महिला मजबूत है तो दूसरी भी मजबूत सोच रखे और हर महिला अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है, सिर्फ अपने आप को चेंज करना। कई लोग ये कहते हैं मैम कि बाहरी उम्मीदवार हैं, छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन महिला बिल हो चाहे संसद में कांग्रेस का जब प्रतिनिधित्व करने की बात हो, रंजीत रंजन सबसे आगे नजर आती हैं। क्या वही झलक छत्तीसगढ़ के मामलों पर भी दिखेगी? आप ही ने आंसर भी दे दिया। और दूसरा एक बात बता दूं कि मेरा जो बर्थ प्लेस है वो रीवा है। जब मेरा जन्म हुआ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, तो बाहरी तो हूँ नहीं, मेरी बर्थ प्लेस है। दूसरी बात, सदन सबसे बड़ी पंचायत होती है और उस अपर हाउस में आप पूरे देश की बात उठाते हो, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी का निर्णय है और हम दसों आज जिस सिचुएशन में पार्टी है उस पे हम लोग को मजबूती से अपनी पार्टी के साथ साथ देश के जो असली मुद्दे हैं वो सदन में लेकर जाना है, जिसमें छत्तीसगढ़ अब मेरा परिवार है। वैसे भी हम पड़ोस में सुपौल बिहार से आते हैं तो पूरा परिवार ही हमारे साथ है, मजबूती से उठाएंगे। क्या प्रायोरिटी रहेगी छत्तीसगढ़ के लिए मैम, क्योंकि इंतजार सबको है, यहाँ के कांग्रेसियों को उम्मीद थी कि यहाँ से कोई जाए, लेकिन वो सशक्त हस्ताक्षर अगर मिल गया है तो क्या शुरू में क्या पांच प्राथमिकता आप मान के चलती जो छत्तीसगढ़ की राज्यसभा में उठनी चाहिए? देखिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे सीएम साहब के साथ, सारे सीनियर लीडरान के साथ, और जैसा डिस्कशन में निकल के आएगा। वैसे आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारी एक सवाल और पूछिएगा, हालांकि थोड़ा पर्सनल सवाल है, यादव साहब ने भी बधाई दी होगी, फोन पर बात हुई होगी। अब सेंट्रल से आज ही सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जो आंशिक पेंशन वाली, तो पहला मुद्दा तो मुझे मिल गया। और दूसरे मुद्दे, जुलाई मेरे क्या सेकंड वीक से
पार्लियामेंट शुरू होगा उससे पहले मैं यहाँ से पूरी मजबूती से लेकर जाऊंगी और आप पार्लियामेंट का इंतजार करें और पार्लियामेंट में देखेंगे पहला मुद्दा छत्तीसगढ़ का होगा। यादव साहब ने भी बधाई दी मैम। क्यों नहीं देंगे भाई, यादव साहब मेरे पति हैं। तो ये थी हमारे साथ रंजीता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप राज्यसभा जिस दिन शुरुआत होगी उस दिन आप देखिएगा, बिल्कुल आपको वो चीज नजर आएगी। एक छोटा सा सवाल, मैंने मैडम को राज्यसभा में देखा है, हार्ली डेविडसन चलाती हैं, शायद कि यहाँ की महिलाओं को ये बताने के लिए कि कितनी मजबूती के साथ वहाँ नजर आती, क्या उम्मीद है आपको? कांग्रेस की बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, हमने पार्लियामेंट में उनको बोलते सुना है, जिस आक्रामक लहजे में और जिस ज्ञान के साथ अपनी बात को रखती हैं आपके पार्लियामेंट में जाने से, ये तो जिसको हम उच्च सदन कहते हैं छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। हमारी बातों को संसद में राज्यसभा में रखेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हितों का पूरा संवर्धन आपके नेतृत्व में होगा। बिल्कुल, तो देखिए रंजीता रंजन जी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और चूंकि राजीव शुक्ला जी नहीं आ रहे, उनके ब्रदर हैं सुधीर शुक्ल, वो यहाँ पर आकर जो है अपना प्रमाण पत्र लेंगे, तो तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं और कुछ देर में यहाँ पर जो है वो प्रमाण पत्र दोनों ही प्रत्याशियों, एक तो रंजीत रंजन जी और जो राजीव शुक्ला जी की तरफ से जो उनके यहाँ से उनके ब्रदर आए हुए हैं सुधीर जी, वो यहाँ पर प्रमाण पत्र लेंगे। तो औपचारिक घोषणा बाकी है, निर्विरोध रूप से दोनों ही प्रत्याशी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहे। साफ तौर पर कहा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को लेकर, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को किस तरह सशक्त बनाना है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के सामने छत्तीसगढ़ को किस तरह प्रस्तुत करना है, रविंद्र चौबे ने भी यही कहा, मजबूती के साथ वो बात रखेंगी।